Assalamualaikum everyone, this is Laiba Abbasi, your new host. बिल्कुल सही सुना आपने. आज मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी, हो सकता है आपको उस पर ज़्यादा क्लैरिटी ना फील हो, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा यू नो मुझे फीवर है, जिसकी वजह से आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जो हूँ अपने सारे पॉइंट्स आप लोगों तक एक फुल क्लैरिटी के साथ जो है वो पेश कर सकूँ. सबसे पहले तो मैं अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ. देसी टीवी यूएसए जो है वो आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं. जस्ट टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ शॉर्ट इंटरव्यू ऑफ माई सेल्फ, मुझे जो है वो देसी टीवी यूएसए के फाउंडर तारक खान साहब ने जो है वो एज अ होस्ट फॉर वन ऑफ देयर शोज नेम्ड एज क्रिकेट विकेट जो है उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है. आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. यू नो द वे everything is going right now, it's beautiful to talk about cricket, to talk about sports overall, और I'll try my best के आप लोगों को जो है वो मेरे सारे points, सारे you know जितने भी sports हो रहे हैं दुनिया में उसके बारे में आप लोग एक तरह से जो है वो आप लोगों का एक mindset बन जाए कि हाँ भाई हमें जो है वो cricket wicket का show देखना है, उसके बगैर हमें मज़ा नहीं आएगा. सबसे पहले तो ये, और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों को नहीं बता, so let me tell you, Desi TV USA is now now been working in the field of sports, या वैसे ही globally जितने भी sports हो रहे हैं या जितनी भी breaking news हो रही है उसको cover करता है for the last 9 years now. It started its journey back in 2016 और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है वो आज से एक नई जर्नी जो है मेरे साथ शुरू करें और मुझे देखें. मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दूंगी. एंड आई रियली लव दोज पीपल जो वीडियो को देखते हैं, उस पर यू नो अपने आप को इंगेज करते हैं थ्रू कमेंट्स, थ्रू लाइक्स, थ्रू शेयरिंग इट विद फ्रेंड्स, यू नो. तो ये जो इंगेजमेंट होती है बिटवीन द वन हु रिकॉर्ड्स वीडियो एंड द वन हु वॉचेज इट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. कनेक्शन बिल्ड करना जो है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू अगर जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए आए हैं देखने और उनको मैं कहूँगी कि इस चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें. और अगर दूसरी चीज़ के बारे में बात की जाए तो वो ये है कि इस ये जो ओवरऑल शो है इसको मैंने डिवाइड किया है 4 segments में, राइट. फॉर टुडे इफ़ आई गिव यू क्लैरिटी सॉर्ट ऑफ थिंग, तो 4 segments में मैंने इसको डिवाइड किया है. पहले सेगमेंट में हम PSL के बारे में बात करेंगे, दूसरे सेगमेंट में जो है हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैच के बारे में बात करेंगे, तीसरे सेगमेंट में हम जो है वो टाटा वेमेन प्रीमियर लीग के बारे में बात करेंगे, और चौथे सेगमेंट में विच इज़ गोइंग टू बी आर लास्ट वन उसमें हम बात करेंगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट आवर विद यू. तो जो हमारा पहला सेगमेंट है इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू बी अबाउट PSL. PSL में आज एक बहुत बड़ा थ्रिलर हुआ, इट्स वॉज बिटवीन लाहौर कलंदर्स वर्सेज कराची किंग्स. अगर इन दोनों के बारे में हेड टू हेड बात कर ली जाए तो चाहे लाहौर कलंदर्स जितनी भी स्ट्रांग टीम हो या चाहे कराची किंग्स जितनी भी वीक टीम हो इस पूरे टूर्नामेंट की, तो हमेशा जब भी इनके दरमियान मैच होता है उसमें हमने यही देखा है कि कराची किंग्स हमेशा डोमिनेट करता है गेम को, और आज भी वही हुआ. लेकिन आज जिसे कहते हैं एक पूरा वन साइडेड मैच नहीं हुआ, उसमें कराची किंग्स ने जो है वो बड़ा फाइट बैक किया और इस तरह से बिल्कुल एक थ्रिलिंग मैच, जिसे नहीं कहते कि लास्ट बॉल विनिंग मोमेंट होता है जिसे कहते हैं सुपर ओवर से भी बच जाए आप और आप मैच भी जीत लें, तो उस तरह का जो है आज मैच हुआ. एक दो विकेट से जो है वो कराची किंग्स लास्ट बॉल पे ये मैच जीता अवॉइडिंग द सुपर ओवर. और अगर थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसका रिव्यू देती चलूँ तो वो ये था कि लाहौर कलंदर्स बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 176, ठीक है, और जिसमें जो अगर मैं जिसे कहूँ कि टॉप बैटर्स जो थे साहिबजादा फरहान, व्हाट ए प्लेयर, आई मीन 76 उन्होंने स्कोर किया और 50-something बॉल्स पे, और जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने आज एग्जीक्यूट की, ही रियली प्रूव्ड हिमसेल्फ के उनकी जो अगर एक स्पेसिफाइड जो पोजिशन है उनकी अगर उस पर उनको खिलाया जा रहा है, सो इट्स लाइक के he will score runs for his respective team. और वही हुआ. अभी तक इन्होंने PSL में 4 games खेली हैं जिसमें से 3 matches में he has already scored 50, ठीक है, so which is very very clear, which is very apparent to show his class के what he is actually capable of. तो साहिबजादा फरहान जो है वो टॉप स्कोरर रहे, बाकी अगर लाहौर कलंदर्स के पूरे बैटिंग कार्ड पर अगर आप नज़र दौड़ा लें तो कोई एज सच आपको बड़ा स्कोर नज़र नहीं आएगा. तो
थोड़े बहुत रन आ जाते हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स से, बट एज सच उस तरह से किसी ने परफॉर्म नहीं किया जिस तरह से साहिबजादा फरहान ने किया। अगर आप बात करते हैं और बॉलिंग के बारे में, तो कराची किंग्स की तरफ से ना सिर्फ फील्डिंग बल्कि बॉलिंग भी बड़ी इंप्रेसिव हुई। और मैंने आप लोगों को एक बात की थी कि शान मसूद जो है एज ए कैप्टन, ही इज़ वेरी टेक्निकल एंड ही नोज द फैक्ट कि अच्छा ठीक है कि उनको अपनी टीम को किस तरह से चलाना है। और वही हुआ जब से कराची किंग्स को शान मसूद ने ज्वाइन किया। कराची किंग्स की तो ऐसा लग रहा है कि किस्मत बदल गई, टू मास्टर माइंड लाइक हैदर अजहर एंड शान मसूद, ऐसा लग रहा है कि दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। ठीक है, तो और एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है टीम को ओवरऑल अगर आप बात करें तो, वो चीज़ जो है बड़ी मैटर करती है। कराची किंग्स को अगर मैं कहूँ कि बैटिंग में किसने ये मैच जितवाया, तो केरन पोलार्ड की ये जो इनिंग्स थी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है, उन्होंने 59 स्कोर किया ऑफ 23 बॉल्स आई गेस। और पहले मैच में अगर हम बात करें जो पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट था, उसमें तो केरन पोलार्ड का स्कोर था 49 नॉट आउट ऑफ ओनली 21 बॉल्स। और आज उन्हीं 21 बॉल्स को 29 बॉल्स में कन्वर्ट करके उन्होंने 50 जो है अपना स्कोर किया नॉट आउट। वैसे तो उनका स्कोर ज़्यादा था लेकिन 50 अगर आप लोगों को जो है वो बताऊँ तो उन्होंने इतने बॉल्स पर स्कोर की। तो एक बड़ा ही कराची किंग्स को रोस्ट किया जा रहा था कि जो है उन्होंने एक फिनिश प्लेयर को अपनी टीम में ले लिया, लेकिन अगर आपको बताती चलूं तो वो फिनिश प्लेयर कराची किंग्स के लिए अभी तक बेस्ट फिनिशर साबित हो रहा है। और अगर एंड में बात करें तो हसन अली ने वो जो एक ज़बरदस्त था अंडर प्रेशर सिचुएशन में छक्का मारा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। शाहीन शाफरीदी को मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि उनको ऑब्वियसली एक माइंड होता है ना, एक माइंड सेट होता है कि चलो अभी स्पिनर्स को मैं यूज़ नहीं करता, वो फास्ट बॉलर को लगाए जा रहे थे अपने, जो उनके हारिस लोग बड़े फॉर्म में आ गए थे तो उनको लगाए जा रहे थे कि चलो ठीक है यहाँ से जो है अगर उनको सपोर्ट मिल रही तो हो सकता है एक ब्रेंडन मैकेलम वाला माइंडसेट के अगर मैं अपने अच्छे प्रीमियम बॉलर्स को पहले यूज़ कर लेता हूँ फास्ट बॉलर्स को तो शायद उधर ही गेम निपट जाए। लेकिन उन्होंने वही किया, लेकिन एंड में नुकसान ही हुआ कि उन्होंने आखिर में एक स्पिनर जो है वो भट्टी साहब लाने पड़ गए जो आखिर के ओवर में एक्सपेंसिव साबित हो गए। वो ऑल दो उन्होंने एक विकेट ले ली हारिस रऊफ की कर्टेसी ऑफ हारिस रऊफ ब्रिलियंट फील्डिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे कराची किंग्स ये मैच बड़ी डोमिनेशन के साथ नहीं कहूंगी लेकिन फाइट बैक करके जीत गया। शोएब मलिक और केरन पोलार्ड की जो पार्टनरशिप लगी थी दैट वाज एक्चुअली गेम चेंजिंग पार्टनरशिप। तो ये था पीएसएल का सेगमेंट। होगा कि क्रिकेट की दुनिया में कोई एक स्पोर्ट्स एट वन टाइम नहीं हो रहा होता। अगर पीएसएल हो रहा है तो पाकिस्तानों को यही लगता है कि भाई सिर्फ पीएसएल ही हो रहा है। नहीं भाई, इंडिया में आईपीएल की दूसरी फॉर्म वेमेन प्रीमियर लीग भी जारी है, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड की सीरीज भी जारी है और साथ ही साथ बीपीएल भी जारी है। लेकिन अभी जिस फॉर्मेट के बारे में हम बात करने वाले हैं इट्स गोइंग टू बी टाटा वेमेन प्रीमियर लीग। टाटा वेमेन प्रीमियर लीग जो है इसमें जो ओपनिंग मैच था वो खेला गया एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बेंगलुरु में, और मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का ये मैच था। मुंबई इंडियंस ने जो है टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया एंड दिल्ली कैपिटल्स जो है बैटिंग फर्स्ट, पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 172 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स कर्टेसी ऑफ एलाइस कैप्सी 75 ऑफ ओनली 53 बॉल्स एंड जमाइमा रॉड्रिग्यूज 42 ऑफ ओनली 24 बॉल्स। एक जबरदस्त परफॉर्मेंस इन दो बैटर्स की तरफ से आई और इन्होंने इस तरह से जो है 172 का टारगेट जो है वो रखा डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस के लिए। अब लग ऐसा रहा था कि मुंबई इंडियंस शायद इस टारगेट को उस तरह से चेज ना कर पाए क्योंकि पावर प्ले में अर्ली विकेट गिरने की वजह से जो है वो उनका पलड़ा काफ़ी ज़्यादा हल्का हो गया था। लेकिन फिर आती है एक मैजिकल पार्टनरशिप यास्तिका भाटिया और ब्रंट की विच हेल्प मुंबई इंडियंस एंड देयर पावर प्ले स्कोरिंग 50 फॉर द लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट। अगर आपको बताऊँ दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पावर प्ले एंड किया था स्कोरिंग 25 runs for the loss of 1 wicket, यानी कि आधे runs उनसे ज्यादा थे मुंबई इंडियंस के। फिर कैप्टन ने जिम्मेदारी संभाली और कैप्टन ने जो है वो 55 क्रूशियल runs डाले टू एंड द इनिंग्स, और ये मैच उन्होंने बड़ी आसानी से हरमनप्रीत कौर ने जो है वो अपनी टीम को जितवा दिया। तो ये था मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का पहला ओपनिंग मैच जो मुंबई इंडियंस द डिफेंडिंग चैंपियंस लास्ट सीजन जो हुआ था वो उनका पहला सीजन था और उन्होंने बड़े आसानी से इस जीत को अपना जो है वो अपने जिसे कहते हैं ना कि जीत लिया जीत अपने नाम कर ली, उस तरह से ये जीत उन्होंने अपने नाम कर ली। दूसरा मैच है टाटा वेमेन प्रीमियर लीग का, वो था आरसीबी और यूपी वॉरियर्स के दरमियान। आपको क्या लगता है कि कौन ये मैच जीतेगा डू टेल इन द कमेंट्स बिलो, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़े भी जाएंगे और उनका जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा।
अब बात करते हैं अपने तीसरे सेगमेंट के बारे में, विच इज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। जिन्होंने अभी तक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड को उस तरह से फॉलो नहीं किया, फ्रॉम डे वन फॉलो नहीं किया, उनके लिए मैं जरा एक स्कोर कार्ड रिपीट कर देती हूँ। इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट, उन्होंने 353 ऑन बोर्ड रखा फॉर द लॉस ऑफ 10 विकेट्स, 104.5 ओवर्स उन्होंने खेले, जिसमें अगर मैं आपको प्रोमिनेंट स्कोर्स बताऊं तो वो रहे जो रूट ने स्कोर किया 122 ऑफ ओनली 274 बॉल, जिसमें 10 चौके थे। अगर बात की जाए ओली रॉबिन्सन की, ओली रॉबिन्सन ने स्कोर किया 58 ऑफ 96 बॉल, जिसमें 7 चौके थे और 1 छक्का था। और ओली रॉबिन्सन एक प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, इफ आई टेल यू, तो ओली रॉबिन्सन एक प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, बट द वे ही कैरीड दिस इनिंग्स, उनके ये 58 रन्स बहुत ज्यादा क्रूशियल रहे इंग्लैंड के हक में। अगर आप बात करें बेन फोक्स की, तो उन्होंने 47 ऑफ 126 बॉल स्कोर किया, जिसमें उनके 4 चौके और 1 छक्का था। जैक क्रॉली की अगर बात की जाए, तो उन्होंने 42 ऑफ ओनली, जैक क्रॉली जो है वो इंग्लैंड के ओपनर है, जिन्होंने 42 बॉल्स पे 42 रन स्कोर करके 6 चौके और 1 छक्का लगाया। ये प्रोमिनेंट स्कोर्स थे। अगर बॉलिंग में बात की जाए तो इंडिया जो है वो 2 सीमर्स यानी कि 2 फास्ट बॉलर्स के साथ गया और 3 स्पिनर्स के साथ गया। अगर मैं आप लोगों को एक करंट सिचुएशन बताऊं कि अभी इंडिया की करंट सिचुएशन क्या है, तो वो ये है कि अभी इंडिया इज 217 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, और अभी भी इंग्लैंड के पास यानी कि जो इंडिया की ट्रेल है वो इंग्लैंड की लीड है अभी करंटली, जो कि 134 रन की है। अगर तो ये लीड जो है वो 134 से 60-70 पर शिफ्ट हो जाती है, तो यूं लगेगा कि जैसे इंडिया भी गेम के अंदर इन है, वरना इंडिया के लिए टेस्ट मैच को लेकर जाना अपने हाथों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इंग्लैंड डोमिनेशन फैक्टर पर है, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, उन्होंने कप्तानी भी अच्छी की और उन्होंने बैटिंग भी बहुत कमाल की और फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी आप इंडिया की करंट सिचुएशन के बारे में बात करें, सो 7 विकेट्स के नुकसान पर है, ध्रुव जोरेल जो है वो अभी ऑन स्ट्राइक है अलॉन्ग विद कुलदीप यादव, द वे कुलदीप यादव इज एक्चुअली कैरिंग द इनिंग्स, यू नो बीइंग ओनली अ स्पिनर, यू नो सिर्फ स्पिनर है ना, उनको ज्यादा बैटिंग नहीं आती, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी इस यू नो सिचुएशन को, पूरी सिचुएशन को कैरी किया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है और वो होना भी चाहिए ऑब्वियसली। तो ये सीन है कि अगर आप इंग्लैंड को देखें तो उनकी बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी हो रही है, और शोएब बशीर ने बड़ी कमाल की बॉलिंग की, उनकी इकोनॉमी सिर्फ 2 समथिंग की है और अभी तक उन्होंने 4 विकेट्स हासिल कर ली हैं। एक तो ये, और दूसरा ये कि अगर ब्लंडर्स पे बात की जाए इंडिया की तरफ से जो किए गए, तो वो उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर की है कि रोहित शर्मा, व्हाट वाज द नीड टू सेंड रविंद्र जडेजा अहेड ऑफ सरफराज खान, ठीक है, मतलब सरफराज खान से पहले रविंद्र जडेजा को भेजने की क्या तुक बनती थी। सरफराज खान कुड हैव यू नो हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल, वो आपने सरफराज खान को अपनी पोजीशन से हटा के बाद में भेजकर जब उनको भी एक पर आउट करवा दिया, तो इन शॉर्ट ना जडेजा कहीं के रहे ना सरफराज खान कहीं के रहे, और कॉन्फिडेंस अलग दोनों बैट्समैन का शैटर हुआ, स्पेशली सरफराज खान हु हैज जस्ट गॉट हिज प्लेस इन द टीम। अगर आप बात करें बॉलिंग को यूटिलाइज करने की, बॉलिंग यूटिलाइजेशन भी रोहित शर्मा की तरफ से कोई अच्छी खासी नहीं थी। एक स्पिनिंग ट्रैक पे आप यू नो स्पिनर्स से कुछ ही ओवर्स करवाते हैं, 15-12-13 ओवर्स करवा रहे हैं, और सीमर्स को आप इतना यूटिलाइज करें, तो वो भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर रहा रोहित शर्मा की तरफ से। मैं ये नहीं कहूँगी कि इंडिया अभी बहुत ही बुरे कार्ड पे है, क्योंकि देखिए पहले इंडिया भी लीड कर रहा है द वे, यू नो दे आर लीडिंग द वे बाय 2-1, ठीक है। अभी ये फोर्थ टेस्ट मैच है, और फोर्थ टेस्ट मैच में अगर आप इंग्लैंड जीत भी जाते हैं, तो जो फिफ्थ टेस्ट मैच होगा अगेंस्ट इंग्लैंड एंड धर्मशाला, वो बड़ा एक्साइटिंग हो जाएगा, उसकी हाइप ही अलग बन जाएगी, क्योंकि पता होगा कि ये फाइनल टेस्ट मैच है और देखते हैं कि सीरीज किसके नाम होती है। ऑब्वियसली इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होगा केएल राहुल को, विराट कोहली को, और स्पेशली जसप्रीत बुमराह को, हु हैज़ बीन अ गेम चेंजर फॉर इंडिया इन द टेस्ट रिसेंटली। तो देखते हैं कि क्या होता है। And with this, our second last segment comes to an end. अब बात करते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बारे में। अगर हम अपना लास्ट सेगमेंट जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसके बारे में बात करें, सो फॉर दोज जो इस लीग को फॉलो नहीं कर रहे थे, उनके लिए जो है वो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या। इस लीग में 4 टीम्स ऐसी थी जिन्होंने टेबल टॉप किया
पहली जो टीम है बाबर आजम की टीम जो कि थी रंगपुर राइडर्स, इन्होंने 12 मैचेस खेले जिसमें से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 हारे और 9 मैचेस जीत कर टेबल को टॉप किया। अगर दूसरी टीम के बारे में बात करें तो वो थी कोमिलिया विक्टोरियंस, जिन्होंने 12 मैचेस खेलकर 8 मैचेस जीते और 4 मैचेस हारे। फॉर्चून बरिशाल ने 12 मैचेस खेल के 7 मैचेस जीते और 5 मैचेस हारे के चट्टोग्राम चैलेंजर्स ने 12 मैचेस खेल कर 7 मैचेस जीते और 5 मैचेस हारे। अगर टीम अगर इस पूरी लीग की सबसे जो ऐसी टीम थी जो सबसे कम मैचेस जीत कर एट द बॉटम ऑफ द टेबल आ सकी तो वो थी दुरंदो ढाका। दुरंदो ढाका ने सिर्फ और सिर्फ 1 मैच जीता और 11 मैचेस हार कर टेबल के बॉटम पर अपनी जगह बनाई। अगर बात करूं प्लेऑफ्स की तो पहला प्लेऑफ जो है वो खेला जाएगा वो फॉर्चून बरिशाल और चट्टोग्राम चैलेंजर्स के दरमियान खेला जाएगा, जबकि दूसरा प्लेऑफ जो है वो कमिलिया विक्टोरियंस वर्सेस रंगपुर राइडर्स के दरमियान जो है वो खेला जाएगा, जबकि इसका जो फाइनल है वो खेला जाएगा 1 मार्च को। देखते हैं कि कौन सी दो टीम्स होंगी जो अपनी जगह फाइनल तक बना पाएंगे। आप क्या कहते हैं कि कौन सी दो टीम्स ऐसी होनी चाहिए जिनको अपनी फाइनल में जगह बनानी चाहिए? आई फील लाइक द बेस्ट टू टीम्स वुड बी रंगपुर राइडर्स एंड कमिलिया विक्टोरियंस। जस्ट माई स्लाइटेस्ट ओपिनियन, यू मे डिसएग्री एज वेल। अपनी डिसएग्रीमेंट का इजहार जो है वो कमेंट्स में जरूर कर दीजिएगा गया। एंड विद दिस आई साइन ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।